दिक्कत की बात नहीं है। पार्क लेकिन अभी भी बचा हुआ है, अब थोड़ा सा मेरे को बाउंड्री दिख रही है, लेकिन बहुत लंबा पार्क। तो अब बात करी जाएगी, ये है मैं हूँ कहाँ, ये है ताऊ देवी लाल पार्क हरियाणा सेंटर के दोस्त। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, और अभी हम होटल से आ चुके हैं और अब अपने पीजी में रह रहे हैं। ये वीडियो एक महीने बाद आएगी, स्पष्ट है, बहुत दिनों के बाद आने वाली ये वीडियो, क्योंकि अब आपको बता दें नई जगह थी तो फिर थोड़ा सेटलमेंट में भी तकलीफ थी, और फिर एक और चीज मेरे साथ हो गई कि मेरे जो है आईडी वाईडी सब खो चुकी है, मेरे को दोबारा आईडी अपनी रिस्टोर करनी पड़ी और काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी मेरे को फेस करनी पड़ी। क्या होगा मेरे साथ, बात यह है कि मेरा फोन जो है वो खराब हो गया था और अब फोन सही है। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा हरा भरा माहौल है मेरे पीछे के आसपास का, आकाश। अभी आया थोड़ा सा देवीलाल पार्क में जो गुड़गांव में ही है, और बहुत बड़ा पार्क है, मेरे पीछे से थोड़ा सा पास है, यहाँ पर जागरण हो रहा है, चक्कर में आवाज आ रही हूँ, आगे वो हो रहा है जागरण हो रहा है। थोड़ा टहल लें और अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेगी वीडियो, तो देखिएगा। एक 20 रुपए की भेलपुरी खाई और तो अच्छी थी, ठीक थी, खराब नहीं थी, लेकिन बाहर तो बहुत ही बड़ा है, अभी इधर भी जाना है, एक्सप्लोर करते हैं। इधर मैच चल रहा है, जरा कहते हैं हम वहाँ से आए थे, अब यहाँ पर हैं, देखो तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। एक तो मोबाइल ख़राब हो गया था, तो कितने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कुछ लोग देख रहे थे, कह रहे थे क्या कर रहा है। तो घूमते घूमते थक गया, बहुत बड़ा पार्क है, मैं तो परेशान हो गया यार देखते देखते, लेकिन क्या करें, घूमेंगे आज पूरा, इसको एक्सप्लोर करेंगे, रात में आते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन यार आगे रास्ता है क्या, है तो रास्ता यार पूरी बनी हुई बड़ी, इतना बड़ा पार्क तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, कसम से। थोड़ा एक्सरसाइज करने वाले पे पार्क तो अभी और बचा है, तो आगे भी चलते हैं, देख के आते हैं। यहाँ बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे अभी थोड़ी देर के लिए, चलो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। बोलना बहुत धीमे हो गया है, अगर एक महीना मोबाइल ना उठा पहनकर, बोलना ही नहीं आ रहा सर माँ के मारे में, मेरे को खुद डर लग रही है, काफ़ी दिनों के बाद मोबाइल उठाया है ना हाथ में, इतने सारे लोग भी देख रहे थे, उधर भी बैठे हैं, उधर को खाली है, तो इधर मैं आराम से बोल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्क लेकिन अभी भी बचा हुआ है, अब थोड़ा सा मेरे को बाउंड्री दिख रही है, लेकिन बहुत लंबा पार्क था। चलिए पूरे अब पार्क की एक फुल वीडियो बनाते हैं और उसको थोड़ा टाइम लैप्स में डाल देंगे, और आपको भी अच्छा मजा आएगा उसमें, ठीक है।
नेट का बड़ा इशू है, यहाँ पर नेट चलता ही नहीं है, जियो का बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्या करूँ। अपलोड करने पर लगा था पूरा रात भर, अपलोड होने में लग जाता है, लगता है दूसरा नेटवर्क ट्राई करना पड़ेगा या फिर राउटर लगवाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, राउटर तो नहीं लगवाएंगे, इसी में देखते हैं कितना कौन आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब बात करी जाएगी, ये है मैं हूँ कहाँ, ये है ताऊ देवी लाल पार्क हरियाणा सेक्टर ए, सेक्टर 52 ए में। और अभी मैं पार्क में घूम रहा हूँ, बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सारी 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 फैसिलिटी उपलब्ध है लगभग बच्चों के लिए खेलने के लिए, और झूला बच्चों के लिए झूला, किंडर गार्डन बच्चों के लिए भी झूला, सारे सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें। लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हम जैसे बड़े लोगों के लिए क्रिकेट भी है, और काफ़ी सारी होते हैं। ये देवीलाल के बारे में हमने देखा, ये हमारे उप प्रधानमंत्री, थर्ड उप प्रधानमंत्री थे, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2003 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी, और 2004 में ये पार्क खुला था। चलिए देखते हैं कि मैं सही हूँ कि नहीं। घूमने आने के बाद हम थक गए थे और सो गए, फिर उठे, खाना वाना खाया, नीचे जाके भैया की दुकान पे, कभी जाएंगे भैया की दुकान दिखाएंगे, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं वहाँ पर, फर्स्ट क्लास है, और 70 रुपये प्लेट है उस हिसाब से खाना। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं शूट कर रहा था, इसलिए शूट ही करना हुआ इसलिए शायद ब्लॉग हो नहीं पाया। अब जैसा भी हो, कृपया करके मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय बाय।